Very good morning, students. I am your English teacher, and today I will teach you English of class 3. So all of you, open your book. Chapter number 4. Dear children, today I am going to explain the chapter 4, the story of orange. बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ ऑरेंज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स. हम सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट खाते हैं. अब जैसे मैंगो, ग्वावा, एप्पल, ग्रेप्स, इस तरह के हम फ्रूट्स खाते हैं बच्चों. एंड ऑरेंज इज वन ऑफ देम. तो उन्हीं सब फल में से ऑरेंज मीन्स संतरा. संतरा भी एक फल है. इट इज़ अ वेरी डिलीशियस एंड जूसी फ्रूट. जो ऑरेंज है वो बहुत ही डिलीशियस मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही रसीला है. उसके अंदर जूस होता है. बट नोबडी नोज एग्जैक्टली वेयर द ऑरेंज केम फ्रॉम. लेकिन कोई भी ये पूरी तरह से नहीं जानता कि ऑरेंज कहाँ से आया. इट इज़ ग्रोन टुडे इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आज ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के गर्म जगहों पर उगाया जाता है. परहैप्स द ग्रीक्स एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज. फिर भी रोमन और ग्रीक ऑरेंज के बारे में जानते हैं. It is possible that the orange was carried from India to Western Asia and then to all of Europe. ये possible है, ये संभव है कि जो orange है वो India से Western Asia और Europe के और जगह पर India से लाया गया है. The Spaniards took the sour orange to the West Indies. और जो Spaniards हैं यानी कि जो स्पेन कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने sour orange मीन्स खट्टा संतरा होता है उसको West Indies से लिया है and from there to Florida. और वहाँ से वो Florida एक अमेरिका में जगह है वहाँ से लिया गया है. Soon after 1565. 1565 में स्पेनियार्ड ने खट्टे ऑरेंज को वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में एक फ्लोरिडा जगह है वहाँ से लिया है. टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. आज के समय में जो ऑरेंज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ताज़ा फल है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बन चुका है. यानी कि इसका बिजनेस किया जा रहा है. फ्रूट्स बिगिन अपियरिंग ऑन द ऑरेंज ट्री. देखिए जो फ्रूट्स हैं जो ऑरेंज का फल है वो ऑरेंज ट्री पर आता है. व्हेन दे आर 3 ईयर्स ओल्ड. जब ऑरेंज का पेड़ 3 ईयर्स का हो जाता है तब उस पर ऑरेंज लगने शुरू होते हैं. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मे अपीयर थ्रू आउट द ईयर. और उस पर फ्लावर्स और फ्रूट पूरे साल आते हैं. एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज. और आपको पता है जो स्वीट ऑरेंज होता है उसे ब्लड ऑरेंज भी कहते हैं. ये एक तरह का संतरा होता है जो बहुत ही मीठा होता है तो उस संतरे को ब्लड ऑरेंज कहा जाता है. इट हैज़ अ पल्प विद अ डीप रेड कलर. उसके अंदर उसका जो पल्प होता है यानी कि उसका जो जिसे हम खाते हैं जो गूदा होता है वो बहुत ही गहरे रेड कलर का होता है. इट इज़ ग्रोन मोस्टली इन द मेडिटेरेनियन रीजन. और इस तरह का ऑरेंज सबसे ज़्यादा एक मेडिटेरेनियन जगह है वहाँ पर उगाया जाता है. मैंडरिन ऑरेंजेस आर ग्रोन मोस्टली इन फ्लोरिडा.
और एक मंदारिन, ऑरेंज संतरे का नाम है बच्चों, जो ज़्यादातर फ्लोरिडा, एक अमेरिका में ये जगह है, वहाँ पर उगाया जाता है। द सोर ऑरेंज इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो सोर ऑरेंज है, जो खट्टे संतरे होते हैं, वो ज़्यादातर सभी जगहों पर किए जाते हैं। बट स्पेन ग्रोज मोस्ट ऑफ द सोर ऑरेंज यूज फॉर ट्रेड, लेकिन जो स्पेन है, एक कंट्री है बच्चों स्पेन, वो सोर ऑरेंज यानी कि खट्टे संतरे को अपने बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा उगाती हैं। इट कैन बी पुट टू मैनी अदर इंटरेस्टिंग यूजेस, और बच्चों संतरे का यूज़ कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे मेकिंग मेडिसिन, दवा बनाने के लिए, टू परफ्यूम, और परफ्यूम यानी जो सेंट होते हैं, परफ्यूम बनाने में भी ऑरेंज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ क्लीन फ्रूट, ये एक साफ सुथरा फल होता है। एनीवन हु टचेस इट, कोई भी जो भी उसे टच करता है, ओनली टचेस द आउटर कवरिंग, से उसके बाहर का जो कवर है उसे ही टच करता है। विच इज़ ईजीली टेकन ऑफ, जिसे हम ईजीली यानी कि आराम से बाहर का जो कवर होता है, यानी कि बाहर का जो उसका छिलका होता है, उसे हम आराम से निकाल देते हैं। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन, यानी कि उसका जो छिलका होता है वो कैसा होता है बच्चों, मोटा होता है, और ऑयल यानी कि जब हम उसको दबाते हैं तो उसमें से देखिए कुछ लिक्विड सा निकलता है, एंड बिटर, और वो कड़वा भी होता है। डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट द ऑरेंज, तो उसका छिलका जो मोटा होता है और वो कड़वा होता है, उसके अंदर जो लिक्विड निकलता है, इसकी वजह से उस संतरे के पास जो इंसेक्ट हैं वो नहीं आते, तो इसलिए ये साफ सुथरा फल होता है, क्योंकि इसके ऊपर मक्खी मच्छर भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो कड़वा कड़वा होता है, तो उसकी स्मेल की वजह से। तो बच्चों ये थी स्टोरी, किसकी स्टोरी थी बच्चों, ये ऑरेंज की, देखो ये ऑरेंज है, संतरा बना हुआ है। तो बच्चों आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन पार्ट थर्ड में बच्चों हम इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे। So thank you, have a nice day.